नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि ज्योतिष भवन में मैं आपका पंडित माणिक भारद्वाज शास्त्री आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भक्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, होलिका के पर्व त्योहार पर जिस प्रकार भगवान के भगत प्रहलाद की विजय हुई थी, हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका का अंत हुआ था, भक्ति के आगे दुष्ट शक्ति हार गई थी, इसी प्रकार आप अपनी भक्ति में अपने इष्ट की, गुरु की, भगवान की भक्ति जिसको भी आप मानते हैं वो करते रहें, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। भगवान की ओर मुख करें, भगवान की ओर जुड़े, धर्म कर्म पर चले, बुराई का मार्ग त्याग दे, क्योंकि भव से पार उतरने का एक भक्ति ही मार्ग है। एक बार की बात है कि गोकुल में दीप दान का त्योहार आया हुआ था। एक समय की बात है कि दीप दान का त्योहार था और यमुना में सभी गोकुलवासी दीप जलाकर प्रज्वलित करके यमुना में छोड़ रहे थे, जल प्रवाहित कर रहे थे, और एक किनारे पर श्री बाल गोपाल कृष्ण जी अपनी लीला कर रहे बाल्यावस्था में बैठे और एक छोटी सी लकड़ी से आते हुए दीयों को इस प्रकार अपनी तरफ खींच रहा था और उनको निकाल निकाल के बाहर रख रहा था। मैया यशोदा ने पूछा, अरे लल्ला, ये क्या कर रहा है रे तू? तो भगवान कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, मैया, मैं इन दीप को बुझने से बचा रहा हूं। तो मैया उसकी बात सुन के हंस दी और बोली, अरे लल्ला, यमुना में न जाने कितने दीप बह रहे हैं, तो किन किन को निकालेगा, किस किस को बुझने से बचाएगा? तो भगवान बाल गोपाल जी मंद मंद मुस्कुराए और अपनी दोतली मीठी वाणी से मैया को इन छोटे से शब्दों में क्या संदेश देते हैं, क्या गहराई का उपदेश देते हैं। कहते हैं, मैया, बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं फिर भी बचाऊंगा। फिर मैया कहती है, अरे बेटा, तूने क्या सभी दीपों का ठेका ले रखा है, तू सभी को बचाएगा, कैसे बचाएगा? तो भगवान बाल गोपाल सो की एक बात कह देते हैं कि मैया, मैंने सबका तो ठेका ले रखा है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन जो दीप बहता हुआ मेरी ओर मेरी दिशा में चला आ रहा है उसको तुम्हें बचाऊंगा। तो इस छोटे से उपदेश में, संदेश में बहुत गहराई की सोचने की बात है। भगवान बताना चाहते हैं कि जो उसकी तरफ बहता हुआ चला आ रहा है वो कभी उसको डूबने नहीं देगा। तो भक्तों, हमको सिर्फ इस संसार की, समय की तेज गति से बहते हुए प्रभु की दिशा की ओर बहना है, उन्हीं की ओर चलना है। अब वो डुबाए बचाए उनकी आत्मा है, लेकिन वो डूबने नहीं देगा। अब समय की भाव में सभी बहते जा रहे हैं, लेकिन दिशा कौन सी चुननी है आपको, उनसे पलट या प्रभु की ओर? तो प्रभु की ओर चलिए, नेकी के रास्ते पर चलिए। ओम श्री कृष्णाय नमः।